जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलमान बट में खुश आमदीद। आज हम अपनी जावा कॉलोनी जो है वो बनाने जा रहे हैं, जिसकी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। ग्रे जावा की हम कॉलोनी बना रहे हैं। ग्रे जावा के जो हमने पट्टे लिए थे वो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। ये अब माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं और तैयार भी हैं। इनमें से जो अंदाज़ा मुझे लग रहा है, 3 फीमेल है और 3 मेल है। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं, आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा। अगर मैं कोई गलत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने 6 पीस लिए थे ग्रे जावा के पट्टों के, जो कि अब माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, तैयार हैं। तो इनको हम आप थोड़ी देर में क्लब कॉलोनी में अपनी शिफ्ट करेंगे। तो देखते हैं वहाँ पे क्या रिज़ल्ट आता है, कैसी प्रोग्रेस होती है और क्या। उस कॉलोनी में हमने पहले से यानी कि एक सिल्वर जावा का पेयर रखा हुआ है और एक साथ में यानी कि वाइट जावा के 2 मेल हैं, जो कि हमने आज उनको अलग कर दिया, निकाल लिया उस केस से। अब सिल्वर जावा का जो पेयर है वो ऑलरेडी एक्सपर है, अंडे दे चुका है, तो उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो उनके साथ ये 6 पीस जो हैं वो ऐड कर देंगे, सही है, ताकि बाद में फिर हम सिल्वर जावा की अलग कॉलोनी कर देंगे। अभी तो फ़िलहाल जगह की थोड़ी सी कमी है, तो इसलिए हम जो है ग्रे जावा को उनके साथ ही छोड़ देंगे। दोस्तों ये कॉलोनी है हमारी, जिसकी हाइट है तकरीबन 6 फीट के करीब, इसकी हाइट है 5.5-6 फीट हाइट है इसकी, और इतनी तकरीबन 4 फीट इसकी चौड़ाई है और डेप्थ भी इसकी तकरीबन 4 फीट है। इसमें हमने तकरीबन 4 हांडियाँ सामने लगा दी हैं और 2 हांडियाँ पीछे की तरफ लगाई हैं। टोटल 6 हांडियाँ हमने लगा दी हैं और तकरीबन 1 हांडी तो बुक है इसमें, जबकि 5 हांडियाँ जो हैं वो 3 पेयर के लिए हमने रखी है। तो देखें, अल्लाह ने चाहा तो इसमें बेहतरी आएगी, देखें क्या प्रोग्रेस आती है। तो दोस्तों ये हमने कहते हैं कॉलोनी में अपने ग्रे जावा जो है हमने छोड़ दिए हैं, एक एक करके ये अपने कॉलोनी में रवा दवा हो गए हैं और अब माशाल्लाह ये पहले से खुश भी हैं, हसाज बसाज भी हैं और मज़े से घूम फिर भी रहे हैं और नई कॉलोनी को एंजॉय भी कर रहे हैं। इतनी बड़ी कॉलोनी उन्होंने शायद फर्स्ट टाइम देखी होगी, क्योंकि छोटी कॉलोनी से ही आए थे, यानी कि पोर्शन वाले के जिससे आए थे, तो उसी में बड़े भी हुए हैं और अब ये कॉलोनी में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे इनकी अच्छी प्रोग्रेस रहेगी और अच्छा रिज़ल्ट सामने आएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करना ज़रूर भूलिएगा नहीं, कमेंट ज़रूर करिएगा, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दिएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों हमारी कॉलोनी आपको कैसी लग रही है, ये देखें ये दोनों साथ घूम रहे हैं और ये देखें ऊपर भी घूम रहे हैं। पुराने वाले जावा जो थोड़े परेशान हो रहे हैं, देख रहे हैं कौन लोग नए आ गए, और पुराने वाले सारे एक साथ बैठे हुए हैं बल्कि। तो देखें दोस्तों क्या होता है। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।